हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई डीसीएड वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे जो कि हरियाणा के 3 जिलों में आई हुई हैं। तो वीडियो के माध्यम से डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि कौन से वो 3 जिले हैं जहां पर वैकेंसीज आई हुई हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कैसे अप्लाई करना है, क्या सैलरी मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें क्योंकि बहुत सारा बेनिफिशियल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से वो 3 जिले हैं। तो सबसे पहला है पानीपत, उसके बाद है चरखी दादरी और उसके बाद है हांसी। तो यहाँ पर 3 जगह पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं। डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो पुलिस विभाग कार्यालय पुलिस अधीक्षक के जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो पानीपत के अंदर कुल 87 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं, चरखी दादरी के अंदर 44 वैकेंसीज हैं और हांसी के अंदर 97 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। तो इसका जो पोस्ट का नाम है वो आप देख सकते हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO के पदों पर ये वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सारी की सारी ये DCET वैकेंसीज हैं, 1 साल के लिए इनका जो है रिक्रूटमेंट किया जाना है। 1 साल का टाइम पीरियड आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट आपका जो है ये टाइम पीरियड उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर हम बात करें सैलरी की तो सैलरी यहाँ पे मिलेगी 18,000 पर मंथ, ये फिक्स सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। इसके अतिरिक्त कोई भी आपको TA DA या कोई भी अलाउंसेज यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। हाँ, इसके अतिरिक्त आपको जैसे कि वर्दी है, ड्रेस है, जूते हैं, उसके लिए 1 टाइम ₹3,000 आपको दिए जाएंगे, वो भी सिर्फ एक बार। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं और वैकेंसीज की डिटेल है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की या कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो भी आर्मी के एक्स सर्विसमैन हैं या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस से सेवानिवृत्त उम्मीदवार हैं या HISF के महिला व पुरुष कैंडिडेट और 2004 में HAP में सिपाही पदों के लिए चुने गए 819 कैंडिडेट हिस्सा ले सकते हैं। 2004 में HAP में 819 कैंडिडेट्स को चुना गया था, उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है वो 12th पास मांगी गई है। तो 12th पास ऑटोमेटिकली वो होगा जो आर्मी के अंदर ज्वाइन किया होगा जिस टाइम उसने। तो ये क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 25 से 50 साल यहाँ पे मांगी गई है। उसके बाद जब आपने सेवानिवृत्ति के टाइम पर आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो प्रथम श्रेणी का होना ज़रूरी है, तब तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सारे जिलों के अंदर अलग अलग डेट है। जैसे पानीपत की अगर हम बात करें तो पानीपत में क्या है कि आपको इमिडिएटली यानी कि 29 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर 30 तारीख सुबह 7 बजे तक अपने मूल दस्तावेजों से पुलिस लाइन पानीपत में आपको वहाँ पे पहुँचना है। डायरेक्टली आपका इंटरव्यू या कोई भी वहाँ पे जो भी टेम्परेरी जो भी उनको करना होगा, इंटरव्यू होगा या कोई रिटन एग्ज़ाम होगा तो वो करवा लिया जाएगा। हालांकि इसके अंदर कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा और रिटन एग्ज़ाम भी वहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो ये है 30/8/2022 शाम सुबह 7 बजे आपको पानीपत की जो पुलिस लाइन है वहाँ पे पहुँचना है अपने मूल दस्तावेजों सहित। और अगर हम दूसरे ज़िलों की बात करें तो दूसरे ज़िलों के लिए भी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या डेट यहाँ पे रखी गई है। ये देखिए, अगर हम हांसी की बात करें तो हांसी के अंदर 29 व 30 अगस्त को 9 से शाम 5 बजे तक आप अपने मूल आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालय पुलिस अधीक्षक हांसी में आप जा सकते हैं, वहाँ आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एज लिमिट यहाँ पे 12th पास है, एज लिमिट 25 से 50 साल है। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो क्या क्या है, अपने सर्विस की बुक की आपकी फ़ोटोकॉपी, आयु प्रमाण पत्र होगा, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होंगे, चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज आपको साथ में लेके जाने हैं।
और यहाँ पे है 65 वैकेंसीज हैं, मैंने शायद उसमें 97 आपको बोला था, तो 65 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी हांसी के अंदर। और चरखी दादरी के अंदर टोटल वैकेंसीज हैं कितनी, 44 वैकेंसीज हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। 27/8 से 29/8 तक आप अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे जमा करवा सकते हैं, और 1 सितंबर 2022 को सुबह 9 बजे इसका जो है चयन क्रिया है साक्षात्कार प्रारंभ कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको टाइम पर पहुँचना होगा। ठीक है, तो ये सैलरी है 18,000 रुपये मासिक मानदेय पर रखा जाएगा, आपके बैंक खाते में डायरेक्टली जो है डिपॉजिट करवाई जाएगी, और वन टाइम आपको जो है यहाँ पे 3,000 रुपीज़ ड्रेस और वर्दी से रिलेटेड जो है दिए जाएंगे। आपको जो छुट्टी है वो भी आपको यहाँ पे आकस्मिक अवकाश जो है हरियाणा पुलिस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ड्यूटी के दौरान मान लो कोई डेथ हो जाती है किसी की बाई चांस, तो 10 लाख रुपए की राशि आपके परिवार वालों को दे दी जाएगी। स्थायी विकलांगता पर 1 से 3 लाख रुपए और गंभीर चोट लगने पर 1 लाख रुपए तक की राशि भी प्रोवाइड वहाँ पे करवाई जाएगी। ये भी इसमें एडिशनल प्रावधान यहाँ पे है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को जो है उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, मीन्स उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपातकालीन स्थिति में हरियाणा राज्य के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकता है, अदरवाइज आपके जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहीं पे आपको तैनात किया जाएगा। तो बेसिक डिटेल्स यही रहने वाली हैं इस एडिशनल वैकेंसीज के रिलेटेड, होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।